नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल लव फॉर आर पर्पस पे। लेक्चर सीआरपीसी की सीरीज के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 106 टू 124 देखा, जो संबंधित था परिशांति भंग करने के लिए प्रतिभूति पर आधारित था। आज हम देखेंगे मेंटेनेंस के ऊपर, पत्नी माता पिता और संतान के लिए भरपोषण से संबंधित प्रॉब्लम। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, क्या प्रोसीजर है कि कैसे भरण पोषण मिलेगा। नंबर वन, किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 125 के अधीन कार्रवाई किसी ऐसे जिले में की जा सकती है। अब वो बता रहे हैं वो स्थान के बारे में, कौन से जिले में वो कार्रवाई की जाएगी। नंबर वन, जहां वह निवास कर रहा है, जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती हैं, मतलब जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, जहां उसने अंतिम बार यथास्थिति अपनी पत्नी के साथ या अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया था, मतलब अंतिम बार जब उसने ऐसी पत्नी के साथ या अधर्मज माता के साथ निवास किया था, तो वो स्थान पर भी बात चल सकता है। तो कौन कौन सी होगा, तीन जगह, जहाँ व्यक्ति है, जहाँ वो पति या जहाँ वो पत्नी है, या वो पति है, या जहाँ पे ऐसी पत्नी या अधर्मज संतान की माता निवास करती है, और तीन जगह पे वो मामला चल सकता है। क्लॉज टू है, ऐसी कार्यवाही में सब साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए समुदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है, अथवा जब उसकी वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी गई है, तब उसके ब्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा और उस रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो समन मामलों के लिए वेद हैं। जो समन मामले हैं उसमें जो रीति है उसके अंतर्गत उसको अभिलिखित किया जाएगा। किस चीज़ को अभिलिखित किया जाएगा, सारे के सारे साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिए जाएंगे जिसके विरुद्ध ऐसे भरण पोषण लेने की प्रस्तावना की गई है, और यदि उसको व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी गई है तो उसके प्लीडर की उपस्थिति में ऐसे साक्ष्य लिए जाएंगे आदेश देने से पहले। परंतु उसमें दे रखा है, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए समुदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है तामील से जानबूझकर बच रहा है, अथवा न्यायालय में हाजिर होने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट मामले को एक पक्षीय रूप में सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है, और यदि ऐसा दिया गया कोई आदेश उसकी तारीख से 3 मास के अंदर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबंधनों के अधीन जिनके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे के समुदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे अपास्त किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन हुआ भरण पोषण के समुदाय के लिए, और उसमें जो व्यक्ति है जिसके विरुद्ध तामील हो रही है, प्रस्तावना हो रही है कि वो भरण पोषण का समुदाय करेगा, वो व्यक्ति जानबूझकर न्यायालय में हाजिर होने से बचता है, तामील करवाने से बचता है, अब तो ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट उसको एक पक्षीय आदेश अवधारण कर सकता है, अग्रसर हो सकता है, और यदि ऐसा आदेश कर दिया है तो ऐसी आदेश की तारीख से 3 माह के अंदर आवेदन पर दस्तखत अच्छे कारण से ऐसे निबंधन माने ऐसी कंडीशंस के आधार पर जिनके अंतर्गत विरोधी पक्षकार से खर्चे के समुदाय के बारे में भी निबंधन भी हो सकते हैं, और मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे तो ऐसे पुराने अपने आदेश को अपास्त कर सकता है जो एक पक्षीय डिग्री में उसने किया था, मतलब तो एक पक्षीय डिग्री को अपास्त कर सकता है कौन, न्यायालय, यदि उसको अच्छे दर्शित करने वाले कारण उसको बता दिए जाते हैं तो, और वो एक पक्षीय डिग्री तब कर सकता है जब सामने वाला पक्षकार जिसके विरोध में प्रस्तावना है कि वो समुदाय करे भरण पोषण का, और वो तामील लेने से बचता है, न्यायालय में जानबूझकर आने से बचता है तब। अब क्लॉज 3 है 126 का, धारा 125 के अधीन आवेदनों पर कार्रवाई करने में न्यायालय को शक्ति होगी कि वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दे जो न्याय संगत है। न्यायालय को आदेश पावर है ये कि वो खर्चों के बारे में जैसा आदेश देना चाहे वो दे सकता है। 125 के अधीन आवेदनों पर कार्रवाई करने में न्यायालय को शक्ति है, मतलब सेक्शन 125 के अंतर्गत जो आवेदन आएंगे उन आवेदनों को न्यायालय को शक्ति है कि वह खर्चों के बारे में ऐसे आदेश दे जो न्यायसंगत है। न्यायसंगत मतलब युक्तियुक्त हैं, न्याय प्रधान हैं, न्याय से परिपूर्ण हैं, ऐसे वो आदेश देने की उसको पावर
सेक्शन 126 ऑफ सीआरपीसी में दे रखी है। सेक्शन 127 ऑफ सीआरपीसी 32वां परिवर्तन क्लॉज नंबर 1 धारा 125 के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या यथास्थिति उसकी यथास्थिति अपनी पत्नी संतान पिता या माता को भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन अधिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थितियां तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है। जो बात ठीक समझे, मतलब व्यक्ति जो भरण पोषण समुदाय करने के लिए अधिष्ठ किया गया है या जिसके खिलाफ आदेश हुआ है, चाहे वो अंतरिम भरण पोषण के लिए हुआ हो चाहे भरण पोषण के लिए हुआ हो, ऐसे व्यक्ति की स्थिति में परिस्थितियों में परिवर्तन होता है और उस संबंध में आवेदन किया जाता है और न्यायालय उसको देखने के बाद वास्तव में परिवर्तन हुआ है तो उसके भत्ते में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तब्दीली साबित हो जाने पर और स्टेट यथास्थिति भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण के लिए भत्ते में ऐसे परिवर्तन कर सकता है जो वो ठीक समझे, मतलब कम भी हो सकता है भत्ता ज्यादा भी हो सकता है। व्यक्ति की आय बढ़ गई है, उसके आय के स्रोत बढ़ गए हैं तो हो सकता है कि उसके हिसाब से उसके भत्ते और संदाय को भी बढ़ाया जा सकता है, और उसकी कंडीशन बुरी हो गई है, वो दिवालिया हो गया है तो उसके भत्तों को घटाया भी जा सकता है। तो ये परिवर्तन है, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जो ठीक समझे कौन, न्यायालय। तो क्लॉज 127 का क्लॉज 1 था। अब क्लॉज 2 की बात करते हैं, जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 125 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, वहां वह यथास्थिति उस आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा। वही न्यायालय को या मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि सक्षम सिविल न्यायालय के अंतर्गत विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए उनके आदेश को, तो वो ऐसे आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा। कौन? मजिस्ट्रेट। उसको लग रहा है कोई सक्षम सिविल न्यायालय है और वो किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना आवश्यक है तो वो रद्द और परिवर्तित कर सकता है। सेक्शन 127 का क्लॉज 3, जहां धारा 125 के अधीन कोई आदेश ऐसी स्त्री के पक्ष में दिया गया है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर प्राप्त कर लिया है, वहां यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि, मतलब ये उसके बाद है जब आदेश दे दिया गया है, पत्नी ने पति से या पति ने पत्नी से विवाह विच्छेद कर लिया है और उस स्त्री के पक्ष में आदेश न्यायालय ने दिया है काय का मेंटेनेंस का, तो उसके बारे में अपन देखते हैं क्लॉज का। उस स्त्री ने ऐसे विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनः विवाह कर लिया है तो वह ऐसे आदेश को उसके पुनः विवाह की तारीख से रद्द कर देगा। मतलब मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है और पता पड़ता है कि उसने पुनर्विवाह कर लिया है तो उस पुनर्विवाह की तारीख से ऐसा आदेश रद्द कर दिया जाएगा, मेंटेनेंस का जो आदेश था वो रद्द कर दिया जाएगा। खा, उस स्त्री के पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है और उस स्त्री ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है, मतलब तब उसने विवाह विच्छेद कर लिया है पत्नी से और उस स्त्री ने उस आदेश के पूर्व है ना या बाद में पश्चात में पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है। जो पक्षकारों को लागू किसी रूढ़िजन्य या स्वीय विधि के अधीन ऐसे विवाह विच्छेद पर दे थी तो वह ऐसे आदेश को रद्द कर देगा। नंबर 1, उस दशा में जिसमें ऐसी धनराशि ऐसे आदेश से पूर्व दे दी गई है, उस दशा में कर देगा जब ऐसी धनराशि जो आदेश थी पूर्व में दे दी गई है, उस आदेश के दी जाने की तारीख से रद्द कर देगा, उस आदेश के दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा। ठीक है, दूसरा है, किसी अन्य दशा में उस अवधि की यदि कोई हो जिसके लिए पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरण पोषण दिया गया है, समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा। मतलब कोई अवधि है जिसमें उसको भरण पोषण का आदेश दिया गया है और वो अवधि समाप्त हो जाती है तो समाप्ति की तारीख से उस आदेश को वो रद्द कर देगा। सी है, उस स्त्री ने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उसने अपने विवाह विच्छेद के पश्चात अपने यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के आधारों का स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया है, मतलब एक तो विवाह विच्छेद कर लिया है और भरण पोषण के या अंतरिम भरण पोषण के
आधारों को स्वेच्छा से अभ्यर्थना मैंने छोड़ दिया है तो वह आदेश को उसकी तारीख से रद्द कर देगा। उस तारीख से जब उसने अभ्यर्थन कर दिया है उस तारीख से उस आदेश को रद्द कर देगा। तो मतलब ये वो आधार हैं जिन पर मजिस्ट्रेट अपने आदेश को रद्द कर देगा जो उसने महिला के पक्ष में दिए थे। क्लॉज 4 है 127 का, किसी भरण पोषण या दहेज की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, किसी भरण पोषण या दहेज की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे धारा वो 125 के अधीन भरण पोषण और अंतिम भरण पोषण या उनमें से किसी के लिए कोई मासिक या मासिक भत्ता समुदाय किए जाने का आदेश दिया गया है, वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशि की भी गणना करेगा जो ऐसे आदेश के अनुसरण में यथास्थिति भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण या उनमें से किसी के लिए मासिक भत्ते के रूप में उस व्यक्ति को समुदाय की जा चुकी है या उस व्यक्ति द्वारा वसूल की जा चुकी है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भरण पोषण या दहेज की किसी व्यक्ति द्वारा जिसे धारा 125 के अधीन भरण पोषण और अंतिम भरण पोषण या उनमें से किसी के लिए कोई मासिक भत्ता समुदाय किए जाने का आदेश दिया गया है तो जो वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय वो क्या करेगा, उस राशि की गणना करेगा जो आदेश के अनुसरण में यथास्थिति भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण या उनमें से किसी के मासिक भत्ते के रूप में उसने पहले ही चुका दी है तो उसको माइनस करके अब वो भत्ता निर्धारण करेगा या समुदाय निर्धारण करेगा। तो उस व्यक्ति को समुदाय की जा चुकी है, उस व्यक्ति द्वारा वसूल की जा चुकी है, उसको उसकी गणना करते समय उसको उसमें से माइनस कर देगा जो उसने मासिक भत्ते के रूप में या भरण पोषण के रूप में या अंतिम भरण पोषण के रूप में जो राशि चुकाई है तो उसको गणना करते समय सिविल न्यायालय वसूल के समय डिक्री बनाते समय उसको ध्यान में रखेगा। सेक्शन 128 ऑफ सीआरपीसी, भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाई के व्ययों के आदेश की प्रति उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दिया गया है या उसके संरक्षक को यदि कोई हो या उस व्यक्ति को जिसे यथास्थिति भरण पोषण के लिए भत्ता या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्रवाई के लिए व्यय दिया जाना है निःशुल्क दी जाएगी और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में जहां वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों को पहचान के बारे में और यथास्थिति देय भत्ते या व्ययों के ना दिए जाने के बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर किया जा सकता है। तो दोस्तों बता रहे हैं कि भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण की कार्रवाइयों के जो व्यय हैं उसके जो आदेश हैं उसकी एक प्रति निःशुल्क ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जो जिसके हित में जिसके पक्ष में ऐसा भरण पोषण का आदेश हुआ है या उसके संरक्षकों को जो व्यक्ति जिसके लिए भरण पोषण का आदेश हुआ है संरक्षकों को ऐसी निःशुल्क उसकी एक प्रति उस आदेश की प्रति दी जाएगी और आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में किया जाएगा जहां वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध में ऐसा भरण पोषण का आदेश हुआ है, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों को पहचान के बारे में, यथास्थिति दे भत्तों या व्ययों के ना दिए जाने के बारे में मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी, हो जाने पर किया जा सकता है, ऐसा प्रवर्तन कराया जा सकता है और ऐसा प्रवर्तन ऐसा मजिस्ट्रेट कराएगा उस स्थान में, प्रवर्तन उस स्थान में ऐसे व्यक्ति को आदेशित करेगा, प्रवर्तन कराएगा जहां पर वो व्यक्ति है जिसके विरुद्ध में ऐसा आदेश हुआ है और जिनके पक्ष में आदेश हुआ है उनके संरक्षक को या उस व्यक्ति को उस आदेश की चाहे अंतरिम भरण पोषण का आदेश हो चाहे भरण पोषण का आदेश हो उनकी प्रति उनको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। तो आज हमने सेक्शन 125 टू सेक्शन 128 देखा जो लेक्चर ऑन सीआरपीसी के सीरीज के अंतर्गत है और जिसमें हमने मेंटेनेंस देखा, हमने देखा कि किस किस का भरण पोषण करने के लिए एक व्यक्ति का दायित्व है, माता पिता के प्रति है, भाई बहन के प्रति है या नहीं है, संतान के प्रति है, वयस्क संतान के प्रति है या नहीं है, अवयस्क संतान के प्रति कब तक है और हैंडीकैप्ड या मेंटली रिटायर्ड संतान के प्रति कब तक है, क्या एक पुत्री भी अपने माता पिता का भरण पोषण करने के लिए दायित्वाधीन है। तो ये सेक्शंस हमने देखे 125 से 128 तक। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए हों या कोई क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के आने तक जय हिंद जय भारत।